हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हेलो एल्केन्स। बच्चों, हमने बच्चों पिछले लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल से डिस्कस किया था, लेकिन बच्चों कुछ थोड़ा सा पार्ट उसमें रह गया था, है ना। हमें बच्चों आज इसमें डिस्कस करना है बच्चों बाई रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड और बाई रिएक्शन विद थायनाइल क्लोराइड। तो चलिए बच्चों आज हम डिस्कस करते हैं बेटा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन का जो रिमेनिंग पार्ट था एल्कोहल वाला, वो पार्ट बेटा हम आज डिस्कस करने आपसे जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए बेटा डिस्कस करते हैं। ये सबसे पहले बेटा हम लेंगे कि थोड़ा सा आपको हम एक रिएजेंट के बारे में बताते हैं कि ये रिएजेंट को क्या होता है। आपको बताया था हमने क्लास में भी बच्चों, रिएजेंट ये है बच्चों, रिएजेंट है आपका। इसे ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं कंसंट्रेटेड। बेटा हमने लिया बच्चों HCl लिया, ठीक है। अब प्लस बच्चों हमने लिया यहाँ पर जिंक क्लोराइड। क्या लिया बेटा? जिंक क्लोराइड लिया है ना, जिंक क्लोराइड, समझ रहे हैं ना, जिंक क्लोराइड लिया। अच्छा, अब ये बच्चों हम जिंक क्लोराइड जो होता है वो बच्चों क्या होता है बेटा? एनहाइड्रस होता है। क्या होता है बच्चों? हम बोलते हैं इसे एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब लिया, एनहाइड्रस मतलब क्या होता है? ये जो होता है बेटा वाटर फ्री रिएजेंट होता है, यानी इसके अंदर वाटर नहीं होता है। तो हम इसे कर सकते हैं कि एनहाइड्रस, जहाँ भी वर्ड आपको दिखेगा आप सीधे कहेंगे कि ये जो होता है वाटर फ्री रिएजेंट होता है। क्या होता है बच्चों? वाटर बेटा लिखेंगे, फ्री रिएजेंट, ठीक है। इसे आपको ध्यान रखना है। इसको बच्चों हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को बेटा क्या कहते हैं, कलेक्टिवली कॉल्ड हम क्या कहते हैं बच्चों? ल्यूकास रिएजेंट, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्पज से बच्चों। ये बहुत बहुत बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो इसे आप कहेंगे क्या कहेंगे बच्चों? ये है बेटा, इसे कहेंगे आपकी ये जो है ल्यूकास रिएजेंट है, इसे कहेंगे कलेक्टिवली कॉल्ड कहेंगे बच्चों। इसे बच्चों बोलेंगे कलेक्टिवली बेटा हम कहेंगे कॉल्ड, इसे बेटा कहेंगे क्या बोलेंगे, इसे ल्यूकास, क्या बोलेंगे बच्चों? ल्यूकास बच्चों, ये हो गया बेटा रिएजेंट बोला जाता है। इसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका बेटा यूज हम पिछले उसमें लेक्चर में भी किया था, जो हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन हमने बेटा किया था, तो इसका बेटा हमने यूज किया था। लेकिन फिर से बच्चों आप सोचा कि मैंने आप इसको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जामिनर साहब से पूछता है या आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी करके पूछ सकता है कि ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है। चलिए बच्चों, तो ये बेटा होता है, ये आप बताएंगे कि ल्यूकास रिएजेंट होता क्या है। तो बोलेंगे बच्चों ये कंसंट्रेशन HCl होता है प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड होता है। एनहाइड्रस मीन्स होता है बच्चों वाटर फ्री रिएजेंट होता है, इसे बच्चों कलेक्टिवली कॉल्ड हम क्या कहते हैं? ल्यूकास रिएजेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा, इसका बच्चों रेशियो हम मानते हैं बेटा 1 बेटा रेशियो 1 के, ठीक है। इसे बच्चों आपको अच्छे से बेटा लर्न करना है। अब आते हैं बच्चों, हम बात करते हैं टर्बिडिटी की। किसकी बात करते हैं बेटा? टर्बिडिटी, ये है टर्बिडिटी, टर्बिडिटी बेटा, ये टर्बिडिटी। अब बच्चों टर्बिडिटी की हम यहाँ बात करते हैं, टर्बिडिटी होता क्या है बच्चा? कोई भी सॉल्यूशन, एनी सॉल्यूशन वी कैन नॉट सीन ट्रांसपेरेंट, हमें कोई भी सॉल्यूशन जो है बच्चों बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हमें नहीं दिखाई देता। तो बेटा इसका एक डिफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि एनी सॉल्यूशन, क्या कहेंगे बच्चों? कहेंगे बच्चों कि एनी सॉल्यूशन, मैंने क्लास में भी आपको ये डिस्कस किया था, ठीक है, लेकिन यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका रिवीजन हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों हम यहाँ पर लिख, हमने क्या कहा कि एनी सॉल्यूशन, इसे अच्छे से लिख लीजिए बेटा, ये हो गया आपका एनी सॉल्यूशन। क्या है बच्चों? ये एनी सॉल्यूशन वी कैन नॉट सीन, ये बच्चों हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। क्या हो जाएगा बच्चों? ट्रांसपेरेंट, ये बेटा हो गया ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं बेटा जो होते हैं ल्यूकास रिएजेंट का भी हम यूज करेंगे यहाँ पे। चलिए बच्चों ल्यूकास रिएजेंट, क्योंकि हमें क्या करना है, एल्कोहल से हमें क्या बनाना है बच्चों? हेलो एल्केन, जो कि पिछले लेक्चर में हमने बनाया था, लेकिन क्योंकि वीडियो बेटा बड़ा बन जाता है, इसी वजह से हमने दूसरा वीडियो बनाना पड़ा, ठीक है। अभी तो बच्चों हम जो है हेलो एल्केन हाइड्रोकार्बन से भी बनाएंगे बच्चों, उसके बाद हम हेलोजन से भी, एक्सचेंज ऑफ हेलो एल्केन से भी बनाएंगे। तो बच्चों जरा ये बेटा हम कंप्लीट करते हैं, पहले एल्कोहल वाला पार्ट हम आज इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जो बच्चा हुआ था उसे बच्चों आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए बेटा, तो आज बच्चों हम क्या बच्चों यूज कर रहे हैं बेटा? ये तो आपने समझ लिया कि ये ल्यूकास रिएजेंट होता है। अब इसका यूज बच्चों हम कहाँ कहाँ करते हैं देखिए।
अब आते हैं, तो हमने टर्बिडिटी बताया। टर्बिडिटी मतलब होता है कोई भी सॉल्यूशन हमें ट्रांसपेरेंट दिखाई नहीं देगा। तो चलिए बच्चों जरा हम इसको यूज करते हैं क्या यहाँ पे। जैसे बच्चों हमने क्या लिया बेटा, यहाँ पे ले लिया हमने CH3, क्या लिया बेटा CH3, ये ले लिया बेटा हो गया CH2 बच्चों, ये हो गया बच्चों हमने ले लिया या OH लिया। अब बच्चों हमने यहाँ HCl मिलाया, HCl समझ ना। उसके बाद बच्चों हमने क्या किया, HCl लिया, HCl यही वाला है देखिए यहाँ पे, और क्या बेटा है जिंक क्लोराइड HCl, यानी हम यहाँ कह सकते हैं HCl और प्लस बेटा हमने लिया ZnCl2, यानी हमने क्या यूज किया यहाँ पे, ल्यूकास रिएजेंट, क्या यूज किया ल्यूकास रिएजेंट, देखिए कितना इसका इम्पोर्टेंट है बेटा यूज किया। तो बच्चों हमें ये देखिए ये बेटा अगर तो यहाँ बॉन्ड बच्चों क्या होता है बेटा ब्रेकअप होता है, क्या होगा बेटा, अब ये बेटा देखिए यहाँ बॉन्ड बेटा ये क्या हो गया ब्रेक हो गया ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे बेटा नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ बच्चों क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा ठीक है। अब देखिए प्रोडक्ट का क्या फॉर्मेशन होता है बच्चों, तो बच्चों यहाँ देखेंगे आपका प्रोडक्ट बन गया CH3, ये बच्चों हो गया CH2, ये हो गया बच्चों CL, अब प्लस हो गया बच्चों H2O। तो देखिए आपका ये क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, क्या बन गया बच्चों प्रोडक्ट बन गया। तो बच्चों इसे क्या बोलेंगे बेटा, ये बन गया आपका क्लोरोइथेन, क्या बन गया बच्चों इसे बोलेंगे क्लोरो बेटा आपका इथेन बन गया ठीक है। ये बच्चों हम इसे कहेंगे बेटा यहाँ पे हमें क्या मिला, वाइट टर्बिडिटी मिली, क्या मिली बच्चों यहाँ पे बेटा हम यहाँ पे कहेंगे हमें क्या मिल रही है, वाइट कलर की क्या मिली है बच्चों टर्बिडिटी मिली है। हम यहाँ कहेंगे बच्चों ये वाइट टर्बिडिटी यानी वाइट टर्बिडिटी मिली बेटा, यानी ये जो रिएक्शन है बेटा क्या है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, क्या बेटा ये 1 डिग्री क्या है बच्चों, ये बेटा एल्कोहल है ठीक है। तो बच्चों इसका प्रोडक्ट बनने बेटा हमें क्या लगा बच्चों यहाँ पे कहेंगे ये बेटा 30 मिनट्स आपके यहाँ पे हमें ये लग गए ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं बेटा किसकी बात करते हैं, अब हम आते हैं 2nd डिग्री एल्कोहल, किसकी बात करेंगे बच्चों 2nd डिग्री। अब देखिए बेटा हमने क्या लिया, यहाँ ये मिथाइल लिया बच्चों, ये बेटा हमने मिला मिथाइल लिया CH3, ये बेटा एक कार्बन, ये हो गया बच्चों मिथाइल, 2 मिथाइल के ऊपर टेस्ट हो, ये बच्चों आपका हो गया हाइड्रोक्सी, ये बच्चों हमने ले लिया HCl, वही जिंक HCl ले लिया बेटा, और ये प्लस लिया हमने क्या ले लिया बेटा ZnCl2 ले लिया, यानी वही हमने ल्यूकास रिएजेंट लिया, क्या बच्चों ले लिया हमने बेटा ल्यूकास बेटा रिएजेंट की। बच्चों यहाँ पे हम बच्चों बात करते हैं किसकी बात करते हैं बच्चों, ल्यूकास रिएजेंट। तो बच्चों हमने यहाँ लिया बेटा, हम लोग लिया ल्यूकास रिएजेंट, तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया बच्चों इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया CH3, ये बन गया बेटा सी, ये बच्चे हो गया बेटा CH3, ये यहाँ आ जाएगा बच्चों CL, ये हो गया बच्चों H2O ठीक है ना। अब बच्चों ये H2 बन गया, ये बेटा प्रोडक्ट बन गया आपका, ये क्या है 2nd डिग्री बेटा क्या है, ये 1st डिग्री बेटा एल्कोहल है ठीक है ना बच्चों, ये बेटा क्या है 2nd डिग्री क्या है एल्कोहल है ठीक है बच्चों, ये बेटा 2nd डिग्री। अब बच्चों यहाँ पे भी क्या मिलती है, वाइट टर्बिडिटी मिलती है, क्या मिलती है बच्चों यहाँ कहेंगे वाइट टर्बिडिटी हमें मिलती है बेटा, टर्बिडिटी हमने बताया था ही एक, तो ये बच्चों वाइट टर्बिडिटी हमें बच्चों मिलती है यहाँ पे ठीक है बेटा। तो ये जो बच्चों जो रिएक्शन होता है आपका, हम इसे कहेंगे बेटा इसको रिएक्शन होने में 5 से 6 मिनट बेटा समय लगता है, कितना लगता है बच्चों, ये हम कहेंगे बेटा 5 to 6 मिनट, कितना लगता है बेटा, हम इसको कहेंगे कि यहाँ पे जो लगता है जो टाइम टेकिंग होता है बेटा 5 to 6 मिनट लगता है ठीक है बेटा इस रिएक्शन को होने में। अब आते हैं बच्चों हम यहाँ बात करते हैं बेटा किसकी बात करते हैं बच्चों, अब हम आएँगे 3 डिग्री। अब बच्चों हमने ले लिया यहाँ बेटा, ये यहाँ लिए CH3 लिया, फिर बच्चों हमने यहाँ पे ले लिया CH3, फिर बच्चों हमने यहाँ पे ले लिया CH3, ये ले लिया बच्चों हमने OH लिया OH, प्लस बच्चों हमने ले लिया यहाँ पर HCl ठीक है, ये हो गया बेटा हमने ले लिया जिंक क्लोराइड, बिल्कुल बेटा जिंक क्लोराइड ले लिया बेटा, ये हो गया CH3, ये C, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, और ये हो गया आपका बेटा CL ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे बात करते हैं बेटा, ये भी क्या हमने ल्यूकास रिएजेंट यहाँ भी लिया हुआ है ठीक है ना बच्चों, ये बेटा ल्यूकास रिएजेंट बच्चों यहाँ भी है, लेकिन बेटा यहाँ पे क्या होता है बच्चों,
ये बेटा हम यहाँ पे क्या बात करेंगे बेटा, ये हो गया। प्लस बच्चों हम यहाँ पे कहेंगे कि बच्चों यहाँ हो गया बेटा प्लस H2O। तो बच्चों यहाँ पे रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है, रिएक्शन होता है, क्या होता है बच्चों, बहुत बेटा फास्ट रिएक्शंस होते हैं, ठीक है ना बेटा। तो हम यहाँ कहेंगे कि ये कितने समय में हो जाता है, 1 मिनट में ही हो जाता है, ठीक है ना। थर्ड डिग्री ये क्या है बच्चों, इसे बोलेंगे 3 डिग्री टर्सरी स्कोर, क्या बच्चों 3 डिग्री, या बच्चों कहेंगे टर्सरी, इसे क्या बोलेंगे बच्चों टर्सरी, इसे क्या बोलेंगे बच्चों एल्कोहल, ठीक है। इससे बेटा क्या होता है रिएक्शन, क्या होता है बच्चों, बच्चों क्या होता है बेटा, बहुत ही बेटा फास्ट होता है, क्या होता है बच्चों, बहुत ही रिएक्शन बेटा फास्ट होता है, ठीक है। तो बच्चों हम अब डिस्कस करते हैं बेटा फास्फोरस हैलाइड, ये क्या होते हैं बच्चों, बातें हैं बच्चों, एल्कोहल का बेटा रिएक्शन कराएंगे बच्चों। ये क्या है बेटा, हम यहाँ पर लेंगे फास्फोरस फास्फोरस बच्चों, ये आ गया है बच्चों हैलाइड, फास्फोरस हैलाइड बच्चों, जिसे है PX3 या बच्चों हमने ले लिया PX5। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, PX3 को क्या बोलेंगे बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों फास्फोरस, ये बच्चों हो जाएगा ट्राई, ये क्या हो जाएगा बच्चों हैलाइड, क्या हो जाएगा बच्चों फास्फोरस ट्राई हैलाइड। अब बच्चों ये क्या हो जाएगा बेटा, इसे हम क्या कहेंगे फास्फोरस, ये बच्चों का पेंटा, क्या हो जाएगा बच्चों पेंटा, ये क्या हो जाएगा ये हैलाइड, क्या हो जाएगा पेंटा, ये हो जाएगा बच्चों हम यहाँ बात करेंगे हैलाइड, ठीक है। अब आते हैं बेटा हम इसकी बात करते हैं ज़रा कि, तो ये हो गया बच्चों फास्फोरस पेंटा हैलाइड, आज बच्चों हम इसको बेटा डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हो गया बच्चों फास्फोरस ट्राइऑक्साइड ट्राई हैलाइड, अब फास्फोरस बच्चों हो गया पेंटा हैलाइड। अब यहाँ बच्चों क्या होते हैं, कुछ जो होते हैं बेटा जैसे PCl3 है बच्चों, जैसे बच्चों क्या है ये PCl3, ऐसे बोलते हैं बच्चों PBr3, ये हो गया बच्चों PCl5। तो ये बच्चों क्या हो गया यहाँ पे, ये बेटा हम कहेंगे स्टेबिलिटीज के अंदर आती है। जैसे क्या है बच्चों, इसे हम कहते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, क्या कहेंगे बच्चों, ये होता है फास्फोरस, अब बच्चों इसे बोलेंगे बच्चों ट्राई, अब बेटा इसे क्या बोलेंगे क्लोराइड, ये हो गया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं बच्चों फास्फोरस, ये होता है बच्चों ट्राई ब्रोमाइड, क्या होता है बेटा, इसे बोलते हैं ट्राई बेटा ब्रोमाइड, ऐसे इसे क्या बोलेंगे बच्चों फास्फोरस, फास्फोरस ये क्या हो गया बच्चों पेंटा, अब बच्चों इसे हम बोलते हैं क्लोराइड, ठीक है ना, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। अब बच्चों ये क्या होता है, इनके अंदर बच्चों क्या होती है बेटा, इनके अंदर बच्चों क्या होता है, ये क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं बेटा, ये जो आपके होते हैं यहाँ पे, ये बच्चों होते हैं। तो बच्चों हम यहाँ बात करते हैं बेटा, ये क्या होता है बेटा, ये अनस्टेबल होता है, यानी क्या होता है बच्चों, ये स्टेबल, सॉरी ये होता है बच्चों स्टेबल, ठीक है। अब आते हैं बच्चों कुछ ऐसे हैं जैसे PBi5 है आपका बेटा, PBi5 है, यह बच्चों होते हैं PI3 होते हैं बच्चों, ये होते हैं बच्चों PI5, तो इसे बोलते हैं बच्चों लेड, क्या बोलते हैं बच्चों लेड पेंटा, बच्चों ये हो जाएगा बच्चों आयोडाइड, आयोडाइड, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा बेटा फास्फोरस, ये हो जाएगा बच्चों फास्फोरस, बच्चों ये हो जाएगा ट्राई आयोडाइड, ट्राई क्या हो जाएगा बच्चों आयोडाइड, ये बच्चों हो जाएगा फास्फोरस, ये हो जाएगा बच्चों फास्फोरस, इसे बच्चे बोलेंगे पेंटा आयोडाइड, क्या बोलेंगे बच्चों पेंटा आयोडाइड, ठीक है बेटा। अब ये होते हैं बच्चों एक तरह से कहा जाए कि बेटा ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, ये हम कहेंगे ये होते हैं आपके अनस्टेबल, ऊपर वाले क्या थे बच्चों, ये आपके स्टेबल हो गए। अब आते हैं बेटा हम यहाँ बात करते हैं, ये बेटा ये भी हो जाएगा आपका रेड फास्फोरस प्लस Br2 प्लस बच्चों हमने लिया I2।
बच्चों ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे 3/2 या 2 ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम कहेंगे PB, ये हो जाएगा बेटा R3 के, ठीक है बच्चों। अब यहाँ बेटा हम कहेंगे कि जो PBR3 है और PBI3 है, यहाँ बच्चों हम यहाँ लिख सकते हैं कि PBR3 है ना। अब बच्चों हम PI3 ये क्या होते हैं बच्चों, हम कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, क्या होते हैं बच्चों डायरेक्टली, डज नॉट एग्जिस्ट ये क्या करते हैं बच्चों डायरेक्टली, इसका आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बेटा यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ बच्चों जैसे मान लीजिए हमने लिया यहाँ पे लिक्सन एल्कोहल लिया है बच्चों, इसके बाद बच्चों हम लेते हैं PX3 बेटा, ये होता है बेटा आपका क्या हो गया बच्चों एल्कोहल, क्या हो गया बेटा ये आपका हो गया एल्कोहल, ये हो गया बच्चों फास्फोरस, फास्फोरस ये हो गया बच्चों ट्राई, ऐसे बोलते हैं बच्चों हेलाइड, ठीक है ना। ये बच्चों हमने रिएक्शन कराया बेटा, तो यहाँ हमें मिल जाता है एल्काइल हेलाइड, ये मिल गया बेटा एल्काइल हेलाइड कहिए, क्या मिल गया बच्चों एल्काइल हेलाइड कहिए, या बच्चों हम इसे हेलो एल्केन भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों हेलो एल्केन भी बेटा हम इसे कर सकते हैं। ये बच्चों प्लस मिल गया हमें H3, ये हो गया PO3, इसे बोलते हैं फास्फोरस, क्या बोलते हैं फास्फोरस, अब बच्चों इसे बोलते हैं एसिड, क्या होते हैं बच्चों फास्फोरस एसिड, ठीक है बेटा। अब आते हैं बच्चों दूसरा हमें रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे, ये बच्चों हमने करा दिया एल्कोहल लिया ROH लिया बेटा, ये बच्चों यहाँ हमने लिया PX5, ये क्या है बच्चों एल्कोहल है, क्या है बेटा एल्कोहल है, ये क्या है आपका फास्फोरस बच्चों, क्या है यहाँ पे इसे बोलेंगे पेंटा, ये है बच्चों आपका हेलाइड, फास्फोरस पेंटा हेलाइड हो गया, ये बच्चों हो गया आपका रिएक्शन हुआ, तो ये हो जाएगा बेटा 3RX, ये बच्चों इसे बोलते हैं एल्काइल हेलाइड, क्या बोलते हैं बच्चों ये हो गया बेटा एल्काइल हेलाइड कर सकते हैं, या हेलो एल्केन भी हम बच्चों कर सकते हैं ना बेटा। ये बेटा कोएफिशिएंट है, ठीक है ना, ये क्या है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है पता ही है आपको। ये बच्चों ये क्या लिया बेटा हमने लिया, फिर बन गया POX3, इसे बोलते हैं बच्चों फास्फोरस ऑक्सी हेलाइड, क्या बोलेंगे बच्चों फास्फोरस, बच्चों यहाँ पे बोलेंगे ऑक्सी, ये क्या होता है बेटा हम हेलाइड, ठीक है बेटा। ये हो गया बच्चों यहाँ बेटा हो गया ये फास्फोरस ऑक्सी ट्राई हेलाइड भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये बेटा हो गया H3PO3, ये हो गया बच्चों फास्फोरस, ये क्या हो जाएगा बेटा फास्फोरस एसिड, ये क्या हो जाएगा बच्चों ये फास्फोरस, ये क्या बन जाएगा बच्चों हम इसे कहेंगे एसिड, तो ये हो गया बेटा फास्फोरस एसिड, अच्छे से लिख देते हैं, ये बच्चों हो जाएगा आपका फास्फोरस एसिड, फास्फोरस बेटा हो गया ये आपका एसिड, ठीक है। तो बच्चों फास्फोरस एसिड हो गया यहाँ पे ना बेटा। अब यहाँ बच्चों हम चाहे तो इस इक्वेशन को यहाँ बैलेंस भी कर सकते हैं, बैलेंस नहीं है तो यहाँ हमने 3R लगा दिया, इस तरह से बच्चों हमें क्या मिलता है बच्चों हेलो एल्केन हमें मिलता है, और ये बाई प्रोडक्ट्स हमको आपको ये बच्चों मिलते हैं, ठीक है बेटा, ये बाई प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं बेटा। अब आते हैं बेटा, तो बच्चों हमने जो है एल्कोहल से हम क्या बेटा ऑप्टेन करते हैं एल्काइल हेलाइड या हेलो एल्केन। अब बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से बच्चों हम क्या करेंगे बच्चों हेलो एल्केन बेटा बनाएंगे, ठीक है बच्चों। आज का वीडियो लेक्चर बेटा हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है बच्चों, आगे फिर हम इसे बेटा हमें हेलो एल्केन बनाना है, किससे बनाना है बच्चों हमें हाइड्रोकार्बन से, ठीक है, और हेलोजन से, ठीक है बच्चों, हम उसे बेटा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके बच्चों।